बीते दिन धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में ऐतिहासिक गुरुद्वारा छेवीं पातशाही में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के दौरे के दौरान उनके सुरक्षा कर्मियों द्वारा वर्दी और हथियारों के साथ दरबार साहिब में प्रवेश करने की घटना ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। इस घटना को लेकर सिख संगत ने गहरा रोष जताया है। बीते दिन कुरुक्षेत्र में सामाजिक समरसता व सिख संगत को एकजुट करने के उद्देश्य से सेक्टर 8 स्थित गुरुद्वारा बैकुंठ धाम में आयोजित हुई बैठक में इस मामले को लेकर रोष जताया गया। साथ ही सीएम नायब सैनी को काफी शालीन स्वभाव का बताते हुए प्रबंधकों को यह नसीहत दी गई कि वे इस बात का ध्यान रखें कि गुरु ग्रंथ साहिब के प्रोटोकॉल का कोई भी उल्लंघन न करे। इस बैठक में कुरुक्षेत्र, करनाल व अन्य क्षेत्रों से पहुंचे सिख समाज के बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। मंच का संचालन बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष गुरतेज सिंह सेखों ने किया। इस मौके पर गुरतेज सेखों और अमीर सिंह ने कहा कि आज सिखों को अपने मतभेदों को छोड़कर एक निशान साहिब के नीचे एकत्रित होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, ताकि अगर किसी को भी किसी धर्म के व्यक्ति के साथ कोई अन्याय होता है तो सिख संगत उसकी रक्षा कर सके। उन्होंने रोष प्रकट करते हुए कहा कि आजादी के समय लगभग 75% से ज्यादा कुर्बानियां देने वाली मार्शल सिख कौम को आज राजनीति से बड़ी बड़ी पार्टियों ने दरकिनार किया है। किसी भी बड़ी पार्टी ने हरियाणा राज्य में सिखों को उनकी पर्याप्त भागीदारी नहीं दी, जिसका कारण सिख संगत का आपसी संगठित न होना है। उन्होंने कहा कि हम सभी साथी लगातार सामाजिक भाईचारे को लेकर वे सिख पंथ की एकजुटता को लेकर प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हरियाणा राज्य की सिख संगत भरपूर सहयोग दे रही है, जिसके लिए हम समूह साथ संगत का धन्यवाद करते हैं। वह दिन दूर नहीं जब समूचा पंथ एक निशान साहिब के नीचे होगा और अन्य धर्मों के लोगों के साथ आपसी भाईचारा मजबूत होगा। उन्होंने बताया कि आगामी 8 सितंबर को करनाल में भी सिख संगत द्वारा एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में भी सिख समाज को एकजुट करने, राजनीति में उनकी पर्याप्त भागीदारी और अन्य कई विषयों को लेकर मंथन किया जाएगा। बैठक में बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान गुरतेज सिंह सेखों, करनाल से आए किसान यूनियन के नेता जगदीप सिंह औलख, अमीर सिंह, गुरतेज सिंह खालसा, सुखविंदर सिंह झब्बर, पंजाब सिंह निसिंग, अमृत सिंह बुग्गा, सुरेंद्र पाल सिंह रामगढ़िया व कुरुक्षेत्र से गुरुद्वारा साहिब बैकुंठ धाम के प्रधान जसवीर सिंह वड़ैच, हरपिंदर सिंह, हरमनप्रीत सिंह सलपाणी, सुखपाल सिंह बुट्टर, डीएस संधु, अमरजीत सिंह कलेर, जसदीप सिंह रंधावा, दीप सिंह कलसी, सतनाम सिंह दौलतपुर, बोहर सिंह व अन्य सैकड़ों की संख्या में सिख संगत ने इस बैठक में शिरकत की। सिख पंथ की एकत्रता की एक मीटिंग है और इस मीटिंग का जो मुख्य उद्देश है हरियाणा राज सिखां जिन्हिया सीटा उन्होंने बनदिया ने वो दित्तियां जाण। किसी भी वड्डी पार्टी ने हाली तक जिहड़े सिखां दे राइट्स बनते ने हक के अनुसार सीटा नहीं दित्तियां, उस नूं लै के एक चिंतन बैठक सी और उहदी इक एकत्रता जिहड़ी है 8 सितंबर नूं करनाल विखे की जा रही है और सिखां दीआं अलग अलग धड़ेबंदियां नूं जोड़ के एक मंच ते लिआउण दी कोशिश की जा रही है। उस वास्ते करनाल दी संगतां कुरुक्षेत्र विखे पहुंचियां सन और कुरुक्षेत्र की संगतां ने उन्हां नूं भरवां हुंगारा दिता है और सिख पंथ की चढ़दी कला और समाजिक समरसता या भाईचारे की असीं गल करदे आ उहनूं वधावा देण वास्ते हर समय हर सिख तत्पर रहिंदा है। उस तरीके नाल कुरुक्षेत्र की संगतां ने उन्हां दा भरवां स्वागत किया है, उन्हां नूं विश्वास दवाया है कि समूह संगत कोई भी धर्म की गल करेगा तो उहदे नाल खड़े होंदे, समाजिक समरसता की गल करन दे ते तां वी कुरुक्षेत्र की संगतां उहनां दे नाल खड़ियां होंदियां जी। संगत नूं की बेनती करना चाहोगे? संगत नूं असीं बेनती करदे आं जां अपने देश की धर्म की रक्षा लई जिस तरह सिख पंथ का एक उद्देश्य रहा है शुरू तो लैके मुगल साम्राज्य तो लैके हुण तक, जे धर्म की गल करते हैं, देश की अखंडता की गल करते हैं, देश के मरण मिटन की गल करते हैं, तो उस वास्ते सानू हर समय तत्पर रहना चाहिए
ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੀਐਮ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਈਟ ਮੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਕਦੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀ ਸਮੇਤ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰੰਤੂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੀ ਐੱਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਸੀ ਐੱਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਰਤਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਜਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਉਤਾਰੇ। ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਸੀ ਐੱਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਾ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀ ਐੱਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।